हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सिद्धत जर्नी बियॉन्ड लव तो इस फिल्म के रिगार्डिंग मैं सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसकी एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में फिल्म का एक रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की जाएगी स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की जाएगी साथ ही में फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी हम डीप में बातचीत करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहेगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पेशन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीज़न था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू तो मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी रा गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हमायूनू बाबरेक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिस्ट्री डिजनी प्लस होटस्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई कर थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भादवाज का है और गाया भी मनन भादवाज ने ही है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूज़िक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौरसार मोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रिक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज़ के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इन्जॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नसदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सिख्तर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोर एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा राधिका मदान कार्तिका सिंघा

विद्यात्री बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करे तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पर दे के देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमेंस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी स्टोरी है, वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहां पे लॉजिक हम लगाते हैं कि चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी जहां पर फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमेंस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमेंटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म इस में काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप ज़रूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है एडिटर ने काफी सार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइम स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आ आती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती सभी नज़र आती है कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई वो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे जहां पे इस फिल्म को जब शूट किया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस करीबन मार्च दो हजार बीस में रिलीज करने का फैसला लिया था जहां पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फिल्म के रिलीज डेट को रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पांच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में यह फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड नाइन्टीन आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड 19 के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की जगह ओ में अच्छी खासी दाम में बेच दिया जहाँ पर उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे इस फिल्म को बेचा हुआ था और इस फिल्म में वहां से डेफिनेटली काफी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया ओटी टी पे इस फिल्म को एक अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे फिल्म को करीबन बीस हजार वोट मिले हुए और सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीस वोट में सात की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लोस हॉटस्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे पर करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी टी पे रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फ़िल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ टी टी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सेटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल पर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्धत जर्नी बी ऑन लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से शिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पैसन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीज़न था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हमायूनू बाबरेक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिजनी प्लस स्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्धत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भादवाज का है और गाया भी मनन ने नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौरसार हारमोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुए सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रेक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भाद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भाद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हेट साबित हुए थे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नजीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सी ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जोन ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा राधिका मदान कार्तिका सिंघा

विद्यात्री बांडी, गौरव अमलानी गंधर्वा देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करे तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख लेके देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नज़र आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी स्टोरी आईडिया वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीज़ें पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से

इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है एडिटिंग देखने को मिलती है सभी जगह पर फिल्म परफेक्ट नजर आती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो सभी प्रिडिक्टेबल नजर आती है कुछ चीज़ें ज्यादा ही ओवर थी टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई है वो सभी चीज़ें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे जहाँ पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस फिल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज करने का फैसला लिया था जहाँ पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च दो में कंप्लीट हुई थी उसके बाद में सेप्टेम्बर दो की इस फिल्म के रिलीज डेट को रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पाँच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड नाइन्टीन आ चुका था दो में जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहां पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज्यादा आ रहे थे वहाँ पे काफी थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की

और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लोस हॉटस्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्म में से एक एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी टी पे रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फ़िल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ टी टी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल पर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्दत जर्नी बियड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्ब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पेशन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू तो मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्युत पंडित गौरव अमलानी रा गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हमायूनु बाब्रक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स हैं आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिस्ट्री डिजनी प्लस हॉट स्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीधा जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक भी मनन भादवाज का है और गाया भी मनन ने नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूज़िक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने ही सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौरसार मोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रैक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भाद्वाज नहीं लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस इस फिल्म फिल्म के के साउंड ट्रैक को आप कर सकते हो और इस के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के के कास्टिंग ऊपर पे कौन सा कौन सा सा किरदार एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिलो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बानी ने पिंकेस का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नसदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र श्री सिक्तर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जॉन ने इस फिल्म में केर्सी मोर्स मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोर इन एंडरसन ने नातलिया का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहां पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहां पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा राधिका मदान कार्तिका ने वाला जो कि कैरेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डाइना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्या बांडी गौरव अम्बलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना आ रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख ले देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नज़र आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फ़िल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी स्टोरी आइडिया वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीज़ें पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से किरदार को किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है, उसे जिस किया हुआ है, वो बढ़िया है। एडिटर ने बखूबी को दिखाया हुआ है। फिल्म पे इसके अलावा प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है एडिटिंग देखने को मिलती है सभी जगह पर फिल्म परफेक्ट नजर आती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो सभी प्रिडिक्टेबल नजर आती है कुछ चीज़ें ज्यादा ही ओवर थी टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई है वो सभी चीज़ें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे जहाँ पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस फिल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था जहाँ पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च दो में कम्पलीट हुई थी उसके बाद में सेप्टेम्बर दो की इस फिल्म के रिलीज डेट को रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पाँच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टर के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीजें बदल गई क्योंकि कोविड 19 आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीजें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज्यादा आ रहे थे वहाँ पे काफी थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की

और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आयन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी पे रिलीज़ की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फ़िल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पे देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्धत जर्नी बियड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे सिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पेशन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग लाइन के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19। उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हमायूनु बाब्रेक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिल जोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने हुई है एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जीगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जीगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिजनी प्लस होटस्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीब एक 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स को टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्धत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भादवाज का है और गाया भी मनन ने नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स है उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौरसार मोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवां गाना जो सिद्ध टाइटल है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भादवाद ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भादवाद ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज़ के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इन्जॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के की हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सिर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी को कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंट पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदन के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उनके किरदार को लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा राधिका मदन कार्तिका सिंघाने वाला जो करेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डायना पेंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्यात्री बांडी गौरव अम्लानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो गुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फ़िल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख लेकर देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमेंस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी स्टोरी आईडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नज़र आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुए उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी जहां पर फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमेंस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमेंटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है एडिटर ने काफी सार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आ थी हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती सभी प्रेडिक्टेबल नजर आती है कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई वो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे जहां पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस करीबन मार्च दो हजार बीस में रिलीज करने का फैसला लिया था जहां पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फिल्म की रिलीज डेट को रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पांच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड नाइन्टीन आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे फिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज़ करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की जगह ओ में अच्छी खासी दाम में बेच दिया जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे इस फिल्म को बेचा हुआ था और इस फिल्म में वहां से डेफिनेटली काफी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया ओटी टी पे इस फिल्म को एक अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे फिल्म को करीबन बीस हजार वोट मिले हुए और सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीस वोट में सात की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पर डिजनी प्लोस स्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक ये फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आयन बी पे पे करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी टी रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाजा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सेटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पे देखने को मिलेगी सिद्धत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पेशन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीज़न था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओ के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज़ और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू तो मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हुमायूनू बाबरेक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स हैं आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिजनी प्लस होटस्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिट करने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स को टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्धत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन ने नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौर हारमोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रेक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भाद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इन्जॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र श्री ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जोहन ने इस फिल्म में केसी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एट एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी को कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंट पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदन के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा राधिका मदन कातिका सिंघाने वाला जो करेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डायना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्या बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत कर रहे थे कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़े

मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुए उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीज़ें पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया

स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है एडिटिंग सभी जगह पर फिल्म परफेक्ट नजर आती है हालांकि स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती और सभी प्रिडिक्टेबल नजर आती है नज़र कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर थी टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमांस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई वो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस फिल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज करने का फैसला लिया था जहां पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च दो में कंप्लीट हुई थी उसके बाद में सेप्टेबर दो की इस फिल्म की रिलीज डेट को रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पाँच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड 19 आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज्यादा आ रहे थे वहाँ पे काफ़ी थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की

और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी पे रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फ़िल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉट के ऊपर आपको ये फ़िल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्धत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पैसन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज़ और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू तो मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा बाबरे क़ा अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स हैं आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिस्ट्रीब्यू डिजनी प्लस स्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स से ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूजिक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्ध जो टाइटल ट्रेक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जिगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौर हारमोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सात वगाना जो सिद्ध टाइटल ट्रेक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज़ के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हेट साबित हुए थे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले, प्ले, प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राने चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नसदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सी सिक्तर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जोहर ने इस फिल्म में केर्सी मुर्स मरपाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एट एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी भी शानदार डिलीवर की हुई है शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पेशन। और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थियेटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19। उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डिरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा बाबरे क़ा अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने की हुई एडिटिंग की हुई ए प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिजनी प्लस स्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने कर एक 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज़ किया हुआ है जिसके राइट्स से ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्धत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन ने नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने ही सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौरसार मोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रिक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप एंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफी बड़े हिट साबित हुए थे आप जरूर एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती हैं विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सिर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जोन ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एट एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी भी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी को कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंट पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदन के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा राधिका मदन कार्तिका सिंघाने वाला जो करेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के, के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डायना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्यात्री बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करे तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख ले के देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको जरूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमेंस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी स्टोरी वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहां पे लॉजिक हम लगाते हैं चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी जहां पर फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमेंस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमेंटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशन इंडिया के लोकेशन को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमेंटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है एडिटर ने काफी सार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा मैन ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आ आती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती है कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर टॉप नज़र आती है लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई वो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे जहां पे इस फिल्म को जब शूट किया था नवंबर की गई थी उसके बाद में, में रिलीज करने का फैसला लिया था जहां पे शूटिंग बाद में सितंबर 2020 की, की रिलीज डेट को, को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पांच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड नाइन्टीन आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे फिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की जगह ओ में अच्छी खासी दाम में बेच दिया जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज्यादा भाव दे इस फिल्म को बेचा हुआ था और इस फिल्म में वहाँ से डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया ओ टी पे इस फिल्म को एक अक्टूबर दो एक को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आई एम फिल्म को करीबन बीस वोट मिले हुए और सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीस हजार वोट में सात पॉइंट सात की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक ये फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाय डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टैग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ पे रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्धत जर्नी बियॉन्ड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पैसन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओ के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज़ और मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू तो मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी रा गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा बाबरे क़ा अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स हैं आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म टेक्निकल के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने की हुई है एडिटिंग की हुई है ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देशगुप्ता देश, देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ डिस्ट्र डिजनी प्लस होटस्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स से ऑडियो राइट्स को टी सीरीज़ के पास है म्यूजिक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्ध जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाद ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने ही सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौर सारोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल रखी है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लों का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेस का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नसदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र श्री सिक्तर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जौहर ने इस फिल्म में केसी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोर इन एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी को कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी, वो भी आपको जरूर पसंद आने है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा राधिका मदन का सिंघाने वाला जो प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डाइना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्यात्री बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर ना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख लेके देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नज़र आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ प्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमेंस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी स्टोरी आईडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीज़ें पसंद आएगी जहाँ पर फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमेंस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमेंटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशन इंडिया के लोकेशन को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमेंटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफी सारी चीज को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है एडिटर ने काफी सार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर नज़र ती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो सभी प्रेडिक्टेबल नज़र आते हैं कुछ चीज़ें ज्यादा ही ओवर थी टॉप नज़र आती है लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई वो सभी चीज़ें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे जहाँ पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस फिल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज करने का फैसला लिया था जहाँ पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च दो में कंप्लीट हुई थी उसके बाद में सेप्टेम्बर दो की इस फिल्म के रिलीज डेट को रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पाँच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टर के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीजें बदल गई क्योंकि कोविड-19 आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीजें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहां पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी जहां पे कोविड-19 के केस ज्यादा आ रहे थे वहां पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की जगह ओ में अच्छी खासी दाम में बेच दिया जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज्यादा भाव दे इस फिल्म को बेचा हुआ था और इस फिल्म में वहाँ से डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया ओ टी पे इस फिल्म को एक अक्टूबर दो एक को रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे फिल्म को करीबन बीस वोट मिले हुए और सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीस हजार वोट में सात पॉइंट सात की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी पे रिलीज़ की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉट के ऊपर आपको ये फिल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पे देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्धत जर्नी बी ऑन लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पैसन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीज़न था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओ के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज़ और मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अम्बलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा बाबरे क़ा अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स हैं आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने की हुई एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जिगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिस्ट्री डिजनी प्लस होटस्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शिद्दत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भादवाज का है और गाया भी मनन भादवाज ने ही है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जिगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौर हारमोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रेक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भाद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के की हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अमलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सी ने, ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जोहन ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एट एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा राधिका मदान कार्तिका सिंघाने जो करेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डाइना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्या्री बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना ना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करे तो कणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे पे देख देखा हुआ है कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर वाली नज़र आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नजर नहीं आएगी स्टोरी वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नज़र आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि कि जो एक बाउंड्री होती है हमें आसानी से पता होता है कि वहां पर लॉजिक हम लगाते कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी जहां पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है है वो बढ़िया है। फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमेंटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंदन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पर बोरियत नज़र नहीं आती है एडिटर ने काफ़ी शार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी हाई नज़र आ रही थी फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिसकी कैमरा मैन ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म फिल्म का बढ़िया था था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से किया हुआ था। वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पर फिल्म परफेक्ट नजर आती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती वो सभी प्रेडिक्टेबल नजर आते कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर थी टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेड

बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे काफ़ी थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज़ करना मेकअस ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की

और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक ये फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे पर करीबन बीस वोट मिल गए थे सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी पे रिलीज की हुई है तो वहाँ पर तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जर्नी बियड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से शिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पैसन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीज़न था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफ़ी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हमायूनू बाबरेक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जीगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिस्ट्री डिजनी प्लस स्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीधा जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाद ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौर सारोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रेक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भाद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े हेट साबित हुए थे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ़ के रोल में देखने को मिलते विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने, ने, ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सिर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जोहन ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एट एंडरसन ने नातलिया का रोल

तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदान के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा राधिका मदान कार्तिका सिंघाने जो करेक्टर प्लेकर है उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डाइना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के, के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्या बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुनाल कोस वाली नजर आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीजें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नजर आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं बोरिंग नजर नहीं आएगी स्टोरी आइडिया वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहां पर लॉजिक हम लगाते कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी जहां किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंदन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पर बोरियत नजर नहीं आती है एडिटर ने काफी सार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी हाई नज़र आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिसकी कैमरा मैन ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से किया हुआ था था वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पर फिल्म परफेक्ट नजर आती है हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती है और सभी प्रेडिक्टेबल नजर आते कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर थी टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेंट

बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे वापिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की आ, कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की जगह ओ टी में अच्छी खासी दाम में बेच दिया जहाँ पर उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे इस फिल्म को बेचा हुआ था और इस फिल्म में वहाँ से डेफिनेटली काफी बढ़िया का एक रिव्यू हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया ओटी टी पे इस फिल्म को एक अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे फिल्म को करीबन बीस हजार वोट मिले हुए और सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीस वोट में सात की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लोस हॉटस्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्म में से एक एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आई एन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी टी पे रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ टी टी राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल पे देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डी सिद्धत जर्नी बियड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे शिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है पैसन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्युत पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा हमायूनू बाबरेक अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल्स से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने किए हुए एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जीगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जीगर मनन भादवाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिस्ट्री डिजनी प्लस और स्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स वो टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीधा जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने लिखे हुए म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का है और गाया भी मनन भारद्वाज नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूज़िक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन ज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौर हारमोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सात व गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रेक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भादवाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज़ के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने वो काफ़ी बड़े साबित हुए थे आप जरूर कर कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के के कास्टिंग ऊपर राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती है विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेस का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नसदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र श्री सिक्तर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल जॉन ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफाटिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंट पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदन के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको जरूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा राधिका कातिका कार्तिका सिंघाने वाला जो करेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डायना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्या बांडी गौरव अमलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख ले देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नज़र आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फ़िल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमांस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी स्टोरी आइडिया वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नजर आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या ज़रूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीज़ें दिखाई हुई उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीज़ें पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमांटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से किरदार को किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है, उसे जिस किया हुआ है, वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है। उन्होंने में काफी सारी चीज़ों को दिखाया इसके अलावा प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफी हाई नजर आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है एडिटिंग देखने को मिलती है सभी जगह पर फिल्म परफेक्ट नज़र आती है हालाँकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो सभी प्रिडिक्टेबल नज़र आती है कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ओवर थी टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे जहाँ पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस फिल्म को करीबन मार्च 2020 में रिलीज़ करने का फैसला लिया था जहाँ पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च दो में कम्पलीट हुई थी उसके बाद में सेप्टेम्बर दो की इस फिल्म के रिलीज डेट को रिलीज़ डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पाँच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टर के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीजें बदल गई क्योंकि कोविड 19 आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीजें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे काफी थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की

और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो उस डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पे डिजनी प्लोस हॉटस्टार पर उस समय पे वन ऑफ़ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आयन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी रिलीज की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल पर देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन डिशिद्दत जर्नी बियड लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर सिद्दत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से सिद्दत फिल्म को आप सेटेलाइट और ओ टी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे सिद्दत जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है पेशन और इस फिल्म का जो टेग है वो है जर्नी बियॉन्ड लव जहाँ पे ये टेग लाइन के ऊपर ये फिल्म फिल्म पूरी तरह से मैच खाती है ये एक रोमेंस ड्रामा जोनर वाली फिल्म थी जिसको 2021 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को थिएटर रिलीज अवॉइड करते हुए डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया हुआ था मेन रीजन था कोविड 19 उसी के चलते इस फिल्म को काफी डिले के बाद ओटीटी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था अब हम बात करें डायरेक्टर की तो कुणाल देशमुख ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे जो स्टोरी है वो धीरज रतन पूजा लाठा सुरती और श्रीधर राघवन ने लिखी हुई है जहाँ पे इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार दिनेश विजान ने इस फिल्म को टी सीरीज और मेडोक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक लो टू मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सनी कौशल राधिका मदान और सपोर्टिंग कास्ट में मोहित रायना देना पेंटी विद्रित पंडित गौरव अमलानी गंधावा देवन चिराग मल्होत्रा बाबरे क़ा अकबरी अतुल कुमार नजदीन मदान राजेंद्र सिसाकत दिलजोन और फ्लोरिन एंडरसन तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है प्रोमिनेंट रोल से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी अमिल इंदू चौधरी ने की हुई एडिटिंग की हुई ए श्रीकार प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सचिन जीगर ने क्रिएट किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जीगर मनन भारद्वाज और गौरव देश गुप्ता देश गुप्ता ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो टी सीरीज़ के पास है जहाँ पे टोटल सात गाने फिल्म में सुनने को मिलेंगे रिप्राइज वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है डिस्ट्री डिजनी प्लस होटस्टार के थ्रू इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज अवॉइड करवाई गई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को एडिटर ने करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे छब्बीस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के हम साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर ने इन गानों को कंपोज किया हुआ है जिसके राइट्स है ऑडियो राइट्स को टी सीरीज़ के पास है म्यूज़िक के वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट के राइट्स उनके ही पास है जहाँ पे इन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और 22 सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है टाइट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिद्धत जो टाइटल ट्रैक है उसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए हैं म्यूजिक भी मनन भादवाज का है और गाया भी मनन ने नहीं है दूसरा गाना अखिया उडी की दिया जिसके लिरिक्स मनन भादवाज ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है मनन भादवाज ने और सिंगर थे मास्टर सलीम तीसरा गाना बर्बादिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने सिंगर में म्यूजिक के डिपार्टमेंट में सचिन जीगर ने काम किया हुआ है सिंगर सचिन टंडन निकिता गांधी मधुबंदी बागची और सचिन जीगर चौथा गाना हमदम जिसके लिरिक्स कोवर जुनेजा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक दिया हुआ है गौरव देश गुप्ता ने और सिंगर थे अंकित तिवारी जहाँ पे पांचवा गाना चिट्टा जिसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ट्रेडिशनल लिरिक्स से उसमें काम किया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है मनन भारद्वाज ने सिंगर थे मनन भारद्वाज इसके अलावा छठा गाना जुग जुग जीवे जिसके लिरिक्स कौरसार मोनी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने सिंगर थे सचिन टंडन परंपरा टंडन और सचिन जिगर सातवा गाना जो सिद्ध टाइटल ट्रिक है उसका रिप्राइज वर्जन है उसके लिरिक्स मनन भारद्वाज ने ही लिखे हुए थे म्यूजिक भी मनन भारद्वाज ने दिया हुआ था और उस गाने को भी मनन भारद्वाज ने ही गाया हुआ है तो इस तरह से रिप्राइज वर्जन के साथ फिल्म में टोटल सात गाने सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ है छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड जिसके राइट टी सीरीज के पास है और ये गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से इस फिल्म के साउंड ट्रैक को आप इंजॉय कर सकते हो और इस फिल्म के कुछ गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे आप जरूर एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर जहाँ पे कौन सा किरदार कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सनी कौशल ने जोगिंदर जग्गी दिल ढिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है राधिका मदान ने कार्तिका सिंघानिया का, का रोल प्ले किया हुआ है मोहित रायना ने गौतम सेगल यानी कि इरा के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी ने इस फिल्म में इरा सेगल यानी कि नी शर्मा थे उनके जिसमें वो गौतम की वाइफ के रोल में देखने को मिलती हैं विधात्री बांदी ने इस फिल्म में सीना का रोल प्ले किया हुआ है गौरव अम्बलानी ने पिंकेश का रोल प्ले किया हुआ है गंधावा देवान ने इस फिल्म में राणा राणे चौधरी का रोल प्ले किया हुआ है चिराग मल्होत्रा ने बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है हुमायूं ने इस फिल्म में नज़ीर का रोल प्ले किया हुआ है बाबरक अकबरी ने तारिक का रोल प्ले किया हुआ है अतुल कुमार ने राजेश सिंघानिया का रोल प्ले किया हुआ है नजदीन मदान को मंजारी सिंघानिया का रोल दिया गया था राजेंद्र सिर ने इस फिल्म में कोच डामले का रोल प्ले किया हुआ है दिल ने इस फिल्म में केर्सी मुरसब मरफातिया का रोल प्ले किया हुआ है फ्लोरिन एंडरसन ने नातल्या का रोल प्ले किया हुआ है तो इस फिल्म में इतने आपको प्रोमिनेंट किरदार देखने को मिलेंगे और इन किरदार को इन सभी एक्टर ने प्ले किया हुआ है जहाँ पे सभी एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी शानदार डिलीवर की हुई है जहाँ पे जिस तरह से सनी कौशल ने जोगिंदर के किरदार में काम किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएंगे उनका स्क्रीन प्रेजेंट पसंद आएगा उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से उनकी और राधिका मदन के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है डायरेक्टर ने जिस तरह से उन किरदार को लिखा हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा राधिका मदन कार्तिका सिंघाने वाला जो करेक्टर प्ले करे उसमें वो पूरी तरह से छाई हुई थी अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह जस्टिस करती हुई नजर आती है इनके अलावा मोहित रायना डायना पिंट इस फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे उनके किरदार के थ्रू ही फिल्म की स्टोरी का ट्रिगर पॉइंट आपको सुनने को और देखने को मिलेगा जिसको दोनों एक्टर ने बखूबी डिलीवर किया हुआ है दोनों अपने एक्टिंग में काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू फिल्म एक अच्छी खासी देव क्रिएट कर रहे थे विद्यात्री बांडी गौरव अम्बलानी गंधर्व देवान जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते सभी ने अपने रोल में एक नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को और बेहतर बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल देशमुख ने अच्छी खासी तरह से फिल्म को हैंडल किया हुआ है हालांकि फिल्म की कहानी वही रूटीन थी उसको उन्होंने थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे देख लेकर देखा हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपको ज़रूर लॉजिक लेस वाली नजर आएगी लेकिन उसको लॉजिक को साइड में रख दोगे फिल्म को सिर्फ ब्लैंक माइंड के साथ देखोगे तो जिस तरह से रोमेंस ड्रामा एक अलग हद तक दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करेगी पसंद आएगा उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया नज़र आएगी ओवरऑल फिल्म आसानी से आप देख सकते हो कहीं भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी स्टोरी आईडिया है वो डिसेंट था उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की हुई है वो एक अलग लेवल की थी वो नेक्स्ट लेवल की वो बढ़िया नज़र आएगी नेक्स्ट लेवल मतलब कि उतनी भी कुछ ऐसी अलग अनोखी नहीं थी मतलब कि जो एक बाउंड्री होती है कि हमें आसानी से पता होता है कि वहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि चीज़ें इस तरह से हो सकती है तो दूसरी तरह से नहीं करने की क्या जरूरत है लेकिन इस फिल्म में जब वो दूसरे रूट के साथ सभी चीजें दिखाई हुए उसको कन्विंस मैनर में दिखाया हो उसको जिस लेवल के साथ दिखाया हुआ है अगर आप वो लॉजिक साइड में रखते हो तो सभी चीजें पसंद आएगी जहां पर फिल्म में लीड पेयर के बीच में जो रोमेंस क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था रोमेंटिक ड्रामा फिल्म में क्या होता है जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते खास करके सॉन्ग्स जो फिल्म इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट किए हुए थे उन सभी गानों से आप जरूर कनेक्टेड रहोगे फिल्म की कहानी से आप जरूर जुड़े रहोगे इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उसमें काम बढ़िया देखने को मिलता है जिस तरह से लंडन के लोकेशंस इंडिया के लोकेशंस को दिखाया हुआ है जिस तरह से लीड किरदार को शोकेस किया हुआ है जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है उसे जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है एडिटर ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने एक मिनट में काफ़ी सारी चीजों को दिखाया हुआ है फिल्म कहीं पे बोरियत नजर नहीं आती है एडिटर ने काफी सार्प काम किया हुआ है इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी हाई नज़र आ रही थी फिल्म की हर फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनहेंस किया हुआ था टेक्निकल मामले में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का बढ़िया था इस फिल्म के एक्टर्स को जिस तरह से टाइल स्टाइलाइज किया हुआ था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से कलर टोन कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है एडिटिंग देखने को मिलती सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आ थी हालांकि फिल्म की स्टोरी रूटीन थी जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो सभी प्रेडिक्टेबल नजर आती है कुछ चीजें ज्यादा ही ओवर टॉप नजर आती है लेकिन इन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिल्म की कुछ कॉमेडी है लाइट हार्टेड मोमेंट है इमोशनल मोमेंट है साथ ही में जिस तरह से जो रोमेंस दिखाया हुआ है जो लव स्टोरी दिखाई वो सभी चीजें आपको जरूर कनेक्ट करेगी उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे जहां पे इस फिल्म को जब शूट किया गया था नवंबर 2019 में इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद में इस करीबन मार्च दो हजार बीस में रिलीज करने का फैसला लिया था जहां पे शूटिंग ही फिल्म की मार्च 2020 में कंप्लीट हुई थी उसके बाद में सितंबर 2020 की इस फिल्म की रिलीज डेट को रिलीज डेट को टारगेट किया हुआ था अब नवंबर 2019 से मार्च यानी कि करीबन चार पांच महीने की फिल्म की शूटिंग रही थी मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद सितंबर 2020 में थिएटर में ये फिल्म आने वाली थी लेकिन अब सभी चीज़ें बदल गई क्योंकि कोविड नाइन्टीन आ चुका था 2020 में जिसके चलते सभी चीज़ें रुक चुकी थी इसका भी काम डिले हो गया थिएटर ओपन नहीं हुए बाद में जो ओपन हुए जहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ जगह पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के केस ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पे फिस थिएटर बंद कर दिए जा रहे थे उसके बाद तो काफ़ी सारे अलग अलग ओमिक्रॉन वायरस आया सेकंड वेव थर्ड वेव इस तरह से कई दो सालों तक ये फिल्म के थिएटर को प्रॉपर वे में ओपनिंग नहीं मिली थिएटर ओपन नहीं ऑडियंस प्रॉपर वे में नहीं आई जिसके चलते इस फिल्म को रिलीज करना मेकर्स ने एक रिस्की कदम समझा जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को थिएटर की जगह ओ में अच्छी खासी दाम में बेच दिया जहाँ पे उनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा भाव दे इस फिल्म को बेचा हुआ था और इस फिल्म में वहां से डेफिनेटली काफी बढ़िया एक रिव्यू हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया ओटी टी पे इस फिल्म को एक अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था जहाँ पे आई पे फिल्म को करीबन बीस हजार वोट मिले हुए और सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीस वोट में सात की रेटिंग और क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना भर भर के इस फिल्म को प्यार मिला है जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक को साइड में रखेगा और साथ ही में जो स्टोरी है उसमें वो डायरेक्ट बताने की कोशिश करे उस हिसाब से आप जाओगे तो फिल्म पसंद आएगी तो ठीक ही इसी प्रसा प्रकार से ऑडियंस ने इन सभी चीज़ों को लिया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बढ़िया तरीके से ओ टी टी पे व्यूअरशिप हासिल कर गई जहाँ पर डिजनी प्लोस स्टार पर उस समय पे वन ऑफ दी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल करने वाली हिंदी फिल्में फिल्म में से एक ये फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म की व्यूअरशिप डे बाई डे बढ़ती गई और फिल्म को आयन बी पे भी करीबन बीस हज़ार वोट मिल गए थे सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हो चुकी थी ओवरऑल अगर ये फिल्म थिएटर में होती तो एक हिट का टेग ले सकती थी इस वर्ड ऑफ माउथ के साथ तो ओ टी पे रिलीज़ की हुई है तो वहाँ पे तो हिट फ्लॉप नहीं आता है लेकिन लोगों को अंदाज़ा लगता है फिल्म अच्छी है या नहीं तो ये फ़िल्म डेफिनेटली अच्छी है जिसे देखा जा सकता है अब कैसे क्या देखोगे उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो ओ और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स दोनों स्टार नेटवर्क के ही पास है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको ये फिल्म ओ पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा सैटेलाइट पे आपको ये फिल्म स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल पे देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जर्नी बी लव नाम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर सिद्धत नाम से फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिद्दत नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी अगर फ्री में देखना चाहते हो तो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से शिद्दत फिल्म को आप सैटेलाइट और ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो बस गायज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म का एक रिव्यू दिया हुआ है जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन करके दी हुई है स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट का एक ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू करके दिया हुआ है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू